मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 की केमिस्ट्री क्लास में आइए हम लोग आज जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है इसमें क्या क्या स्टेप होता है, ये चैप्टर की क्या है कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टेप को समझिए। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन कोकून। सिल्क वर्म का देखभाल करते हुए उससे कोकून प्राप्त करना। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर कोकून का प्रोसेसिंग करके उससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर लेना। कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर को सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर लेना। ये सारा स्टेप। तो पहले स्टेप में जानिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। इन फर्स्ट स्टेप ए फीमेल सिल्क मॉथ लाई हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। कहता है पहले स्टेप में सिल्क मॉथ जो होता है फीमेल सिल्क मॉथ ये 100 अंडे के लगभग 100 के लगभग संख्या में अंडे देती है। दीज एग्स आर स्टोर्ड बाय सिल्क फार्मर ऑन ए स्ट्रिप। ये पेपर और क्लॉथ, पेपर और क्लॉथ का कोई स्ट्रिप है, पट्टी होता है, उस पर इस अंडे को स्टोर कर लिया जाता है। इन हाइजीनिक कंडीशन सिल्क वर्म कम आउट ऑफ एग्स। ये अच्छे वातावरण में हाइजीनिक कंडीशन में जैसे कि गर्मी थोड़ा रहे, थोड़ा सा आर्द्र रहे, इस कंडीशन में अंडे से सिल्क वर्म बाहर आ जाता है। द सिल्क वर्म फेड इट मलबरी लीव फ्रॉम 25 to 30 days। 25 से 30 दिन तक सिल्क वर्म जो है वो मलबरी लीव शहतूत के पत्ते को खाता है। आफ्टर दैट इट स्टॉप ईटिंग एंड गिव कोकून एट लार्वा स्टेज एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसके बाद 25 से 30 दिन के बाद ये खाना बंद कर देता है, पत्ती खाना बंद कर देगा और इसके बाद ये कोकून बनाना शुरू करता है और दूसरे स्टेज लार्वा स्टेज में कोकून बना करके अपने लाइफ साइकिल को जो कि 4 स्टेज में है ये पूरा करता है। 4 स्टेज का सेकेंड स्टेज है रेलिंग। रेलिंग क्या होता है, ये कोकून है और कोकून से धागा निकाला जाता है, रेशा निकाला जाता है सिल्क का। तो समझिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रेलिंग। अतः इस स्टेज में क्या होगा, कोकून है, कोकून से रेशम का जो रेशा है उसको निकाल दो। अब ये प्रोसेस कहलाता है। कैसे किया जाता है, इन दिस प्रोसेस वी सेपरेट सिल्क फाइबर फ्रॉम देयर कोकून बाय यूजिंग हॉट वाटर एंड स्टीम। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें हॉट वाटर या उसका भाप चाहिए और कोकून चाहिए और कोकून से ही हम लोग सिल्क का रेशम का जो रेशा होता है इसको अलग कर लेते हैं। ये मशीन के द्वारा किया जाता है आजकल। और इस स्टेज में इस तरह से कोकून से जो निकालने का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में रेशम का कीट जो है वो मारा जाता है, क्योंकि आगे के स्टेज में जाने पर रेशम का कीट का जो रेशम का जो क्वालिटी है वो लो होते जाता है। इसीलिए सेकेंड स्टेज में ही रेशम का जो फाइबर है, सिल्क फाइबर का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहता है। थर्ड स्टेप है, इन थर्ड स्टेप वी ऑब्टेन सिल्क फाइबर विच इज कन्वर्ट इनटू सिल्क यार्न बाय स्पिनिंग प्रोसेस एंड फर्दर कन्वर्ट इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेविंग प्रोसेस ऑन लूम्स। तथा इस स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले तो रेशा मिल गया, अब रेशा को ट्विस्ट करके हम लोग स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा धागा प्राप्त कर लेते हैं और धागा को आपस में ट्विस्ट करके आपस में बाइंड करके हम बुन करके क्या करते हैं, वेविंग प्रोसेस से कपड़ा तैयार कर लेते हैं। तो ये कपड़ा कैसे तैयार करते हैं, लूम पर तैयार किया जाता है। अब है टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क का कौन कौन सा प्रकार है, सम टाइप्स ऑफ सिल्क आर। सिल्क के कुछ प्रकार हैं, धागे सिल्क के जो रेशे हैं उसके प्रकार हैं, मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, इरी सिल्क, ये सभी सिल्क के फाइबर के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। आप स्टेप को और इस स्टेप में क्या क्या हो रहा है इसे लिखेंगे और याद करेंगे।
और साथ ही साथ इसके टाइप्स को भी आप जानेंगे। धन्यवाद।